किस्मत का वली रहता है और दहर वालों से मुझे आज यही कहना है, दिल वही काबा है कि जिस दिल में अली रहता है। आज बुलंद करके आए ना सदा जियो जिने हैदर के दीवाने बैठे बैठे हैदर के परवाने बैठे बैठे आओ अमानत अली नाल थोड़ा जिहा सफर करो ते जाना किहड़ी जगह ते भी मैं तुहानू लै के जाके जागद बैठे बैठे दीवाने सब चलिए परवाने सब चलिए दीवाने सब चलिए परवाने चलो अबू तालब दे बुहे जाके लख लख सलाम करिए लंगर है अरशी तो आम करिए
अज अली अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दा दिन मनाया जा रहा है। अजीब 13 रजब है ना, तो अज 13 रजब नुमदे नजर आके हर मोमिन दा खुशी नाल दिल बाग बाग हो सी। मुखातिब होके गल करनी चाहना शेखुपुरियां दे रले मुनकर नूं साधन लई जश्ने अली अज मना के हस हस के गा गा के ते नारे ला ला के हस हस के गा गा के ते नारे ला के उठो मौला दे मुनकर दी नींदर हराम करिए। शेखुपुरियां दे रले मुनकर नूं साधन लई सारे मलंग मातमी सड़िया नूं मारन लई गली गली शहर शहर बूहे बूहे नगर नगर जश्न अली अज मना के हस हस के उस्ताद मोहतरम के दो शेर जी दे जनाब जी दिया समात नजर कर लगा ओ मसरूर जमाना है तेरे जब दी तेरा है खुशियां दे मेरे ने आज हैदर आया है जागो ने जो शहर मसरूर जमाना है तेरे जब दी तेरा है खुशियां शायर आलम मुकर्रर खतीब
सारे आखते हैं कि अली अलैहि सलाम काबे च जम्मे जागदे बैठे हो ये जमदे नहीं इन्हां दा नज़ूल हुंदा है उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि अली दा काबे च जमना एक वड्डी गल नहीं वैसे छोटी भी नहीं फरमाते हुंदे हन मैनूं इत्थे कोई भट्टियां ले ते मस्जिद च को जम के विखाए तो जो है इस गल नूं मद्देनजर रख के उस्ताद मोहतरम ने शेर लिखा है मुस्कुरा के फरमाते हैं जनाबे मीसम शदलीन मुखातिब होके अर्ज कर फरमाते हैं आशिक हां मैं तेरे जनाबे मीसम मुस्कुरा के अली अलैहि सलाम के पास वे के मुस्कुरा के फरमाते हैं आशिक हां मैं मैं भोले ने सा
फतर हे कुरान हदीस दे अंदर केड़ी गल भावे कोई मक्के विच जम्मे रोजाए पाक नबी विच सम्मे मेरे भाइयों बुजुर्गों की पुरखलूस मेहनत जश्न आए तमाम असल करीम का पड़े आज रात सदका मौला की आमद सदका कबूल मंजूर आमीन आखने नाल दुआ मुस्तजब हो जाए आज दी रात सदका मेरे मौला जी ने मोमिन मोमनात की मार मार शिफाए कामना अता फरमा मेरे मौला जो बे औलाद ना औलाद औलाद ना अता फरमा मेरे मौला जो बे रिज़्क़ है रिज़्क़ अता फरमा मेरे मौला सा सारे अंदर सगीरा और कबीरा गुनाह माफ मेरे मौला साडे सारे की बार उस जल्द से जल्द अल्लाह हु अकबर सलवात सलवात अल्लाह वस्ते रहने या अली कहने ओ जाएंगे संस ओ घर घर बस जिथे पंजा बारह चौदह दस जिक्र सितम सफीने दे राकिबों को मिली अमल दी नवीद अच्छे सितम सफीने दे राकिबों को मिली अमल दी नवीद अच्छे रसूल पाक ने रज के कीती फिरा दे चेहरे तो दीद अच्छे सितम सफीने दे राकिबों को मिली अमल दी नवीद अच्छे रसूल पाक ने रज के कीती फिरा दे चेहरे तो दीद आजे फिरा दे चेहरे तो दीद आजे फिरा दे चेहरे तो दीद आजे असा मवाली अते हलाल असा मवाली अते हलाल सारे शियां दा ए ऐलान केड़ा जमाना भावे चढ़ मनावे असा मलंगा दी ईद आजे अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को फिर होंदा क्या किया सुरबाई दी आखिरी लाइन ते निहत अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती अगर ना होता अली का अक्त जो जहरा से बतूल रब की तरह ला शरीक हो जाते क्या बात है क्या कह रहे हैं
अगर ना होता अली का अक्त जो सहारा से बतौल रब की तरह सुना है आज घर में आ गया है घर का मालिक भी। मौला आमद तो पहले बुतखाना है बुतां दा कब्जा है वड्डे बुतां त्रै कितने बोते नाम नाम लाल मनार उज्जा इन चो दो मुजक्कर एक मुअन्नस चलो और आसान कर दो दो भाई एक माई मौला दी आमद ते इन त्रै मजे भी आपस च गल कीती सुना है आज घर में आ गया है घर का मालिक वाह वाह यहां अब मुश्किल होगी हम अपने पेट चलते हैं सुना है आज घर में आ गया है घर का मालिक भी यहां अब मुश्किलें होंगी हम अपने पेट चलते हैं अली को देखकर पुत लगे आपस में कहने बस काबे में क्या रखा है चलो राय में चलते हैं मुर्तजा की आमद के ढंग देखकर मुर्तजा की आमद के ढंग देखकर मुस्तफा ने कहा ये है मेरा रजब तेरा रजब के शायर ने किस तरीके नाल बात की तेरा रजब मुर्तजा की आमद के ढंग देखकर मुस्तफा ने कहा ये है मेरा रजब सुन के तौहीद ने मुस्कुरा के कहा नहीं नहीं बांटेगा यकसा सवेरा रजब सुन के तौहीद ने मुस्कुरा के कहा नहीं नहीं बांटेगा यकसा सवेरा रजब मालिक हकीकी की आवाज मेरा नबी इंज कर लेने इस तरह तकसीम कर ले ये माहे रजब इस तरह तकसीम कर ले ये माहे रजब तू भी शामिल रहे मैं भी शामिल रहूं अर्श पर मैं मनाऊं तो मेरा रजब फर्श पर तू मनाए तो तेरा रजब
अंदर या बाहर छिगण गो नहीं डर जाता वो तो कंध बंद बाहर जा छत किधर आए चार चार कंध मकान दी अंदर या बाहर छत डिगण का सहनो नहीं डर जाना कंध डिगी ते बीबी सगो गई अंदर ए जुमला मुनाफिक नू खर जाना चल के बीबी दे कर मिले दो अर्श वालियां लगे दोहरान गल्ला कुछ पुछिया हक दे वली कोलो कुल नबियां दे सुल्तान गल्ला बहुत सारे मौलत मौलत कुछ ऐसी नौकरा कबूल करे इंसाफ ना दसो जो मोहम्मद वाले मोहम्मद
एक शेर पढ़ के ते फिर इंशाल्लाह फरमाइशां भी ने कमी ने एक दो और कसीदे भी नवे नवे लै जाए हुसैन खलोता अगर ना फिर क्या अगर बीबी ना मेरी पाक मामा काबे ना तो फिर मुद्दा क्या काबे जिंदगी हो मौला रंग लावे साढ़े थोड़े जे फासले से लाहौर तो थोड़े जे फासले एक शहर है खूबसूरती न्याज मारा तौजी नहीं अली दी अम्मा जे ना शेर दे अली दी अम्मा के मन मुर्शिदादी बड़ा शेर था अली दी अम्मा जे ना रदीप रेपिटेशन अली दी अम्मा जे ना फिर क्या होना तेरा रजब मुरजब तू वेखे ने अजब नजारे काबे चो अली दी अम्मा जे ना होंदा क्या कि भाई तेरा रजब मुरजब तू वेखे ने अजब नजारे काबे चो पुत्रों दे तुर पे बिस्तर बन के सारे तेरा रजब मुरजब तू वेखे ने अजब नजारे काबे चो पुत्रों दे तुर पे बिस्तर बन के सारे फौज बुका अली दी अम्मा जे अली दी
कबूल और मंजूर फरमाओ। पिछले साल से मैं कसीदा पढ़े आई पिछले साल वह पूरा कर दिया ज़िक्र नसीब होवे अली दी पाक अम्मा।
ਕੋਲ ਆਏ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ पालने वाले इज्जत आखे पे वापस लगी वजा बीबी राधा की तय जिसमें गल की आखे तो वापस लगी जाओ आखे तो वापस लगी वजा जड़ी काबे के पास आवाज लेकिन नहीं बिस्मिल्लाह करा तुसाई जिंदगी होए बाबा आ गया बाबा जान दे एक कोई ते बाबा जी दी अलाइनमेंट आउट की सुरमे वाला बाबा सरकार मुबारक मुबारक कमी बाबा हां जियो मुबारक होई खैर वाह सरकारी इजाजत है सुरमा पाल पाल सरकार बेशक पाल मेरा फर्ज है दस दवा ये ओ नहीं क्या बात इन्हें तो पहले पाला है ये ओ नहीं वाह वाह सोच के जावे नहीं सरकार आज थोड़ा फिरा है आगे मैं पांच लेना दस लेना आज तो सौ लेना बड़े सरदार के घर खुशी खुशी है आज तो सौ दहाक सरकार समझ सौ दो सौ की पांच हजार दस हजार की गल कर जा पवेंदा ही तपाला खुश होकर टुरी आए उन बतूल दे बाबे जी फिर आते झूले वाले पास बैठे फिर आना तेरी गल की लेकिन मैं सुन मेरा फिरा दुश्मन पिया है आधा इंज सबक सिखा लबे नू नारा इंज सबक सिखा लबे नू नारा जब घर ताई उठेगा बहाना आगे है दर दिल ना ले सा इंज ताई तू सबक सिखे सा आगे है दर दिल ना ले सा इंज ताई तू सबक सिखे सा मौला रंग ला ऐसा मुर्शिदादी ने बहुत बड़ा कसीदा ता किया है नजरान दे नसारा ने बतूल दे बाबे नू आखिया कि सरकार ईसा दे बारे तुहाडा की ख्याल है अल्लाह दे नबी आखिया अल्लाह दा साहिब किताब नबी है साहिब शरीयत नबी है उल लजम पैगंबर है जी बस सरकार फरमा बस है जी साडे नजरी को अल्लाह दा पुत्र है सरकार मैं खबरदार अल्लाह का कोई पुत्र नहीं ना हो किसी का प्यो ना हो पुत्र सरकार फ्रेंच कर दे मुबाला कर ले तू साफ नहीं लाए साफ नहीं करना क्या है बस दुआ करते हैं मैदान में जाके जरा झूठा उस वक्त अल्लाह की लानत उसी अजाब उस मैं सदक्यों
आगे सरकार टाइम मुकर्रर हो गया, सरकार वापस आए, सलमान जी वापस हो जाए। मस्जिद जाके ना ऐलान कर रहा, जिन्हें सवेरे जाना है तैयारी कर रहे, दसवीं पहली जगह ऐसी है जिथे लड़ना है नहीं। माशाल्लाह मौला जान दे दुआ है, तुम्हें दुआ है कि मयार समाज केड़ा बुलंद दे मुर्शदादी रंग लावे एडा सोहना अंदाज तुहाडा सुनदा पैसे लुत्फां दे पड़न। अच्छा पहली जगह ऐसी है जिथे लड़ना नहीं, जिन्हें तैयारी करनी है सुबह ऐलान करके आ गए। सवेरे दिन चढ़े बतूल दे बाबे फिर भेजे जनाब सलमान जा पता कर कौन कौन तैयार है। आए जनाब सलमान वेख्या जो कोई माहौल वेख्या वापस आए बतूल दा बाबा मस्जिद भरी पई बल्कि बाजार च भी लोग खलोते इन्ना रश सारे तैयार सारे तैयार। अच्छा बतूल दे बाबे आखे जा हुण मेरी तरफ एक ऐलान होर कर कि मैनूं कोई एतराज नहीं सारे चलो मेरा फर्ज है मैं दस दे कोई एतराज नहीं सारे चलो लेकिन ये ज़हन च रख के जाना है वापस ओने ही आना है जिन्हें जम्मण तो लैके हुण तक एक झूठ नहीं मारिया। बतूल दे बाबे फरमाया मैनूं कोई नहीं सारे चलो मस्जिद खाली बाजार खाली मस्जिद इतने एक गल बड़ी बारी जी मैं सुनी मलिक सफदर हुसैन साकी ने मेरी आदत है मैं जो को सुना मैं जरूर कर क्योंकि बड़ा फहीम मजमा मेरे सामने और गल दस कदर कदर बहुत बड़ी बात है बड़ी बारीक बात। ऐलान हो गया कि हम सच्चिया जा रहे हैं। ऐलान की होया सच्चिया जा रहे हैं। वो एक बच्ची एक लड़की कुड़ी अपने प्यो के कपड़े पे इस्त्री करे ऐलान सुन के ना प्यो के कोले बाबा जी बेटा जी मेरी ती ऐलान सुने हाँ मेरा पुत्र सुने कि सच्चियां जाना वो कुड़ी आके कि फिर ताड़े कपड़े रहन दे ऐसा कसीदा अदा कर कम अज कम को दो ढाई साल दे रिस्क दा जमन ओना कसीदे चो एक कसीदा है और बिल्कुल तरतीब इतनी कि कैसे मुर्शदादी अदा की थी। खालिक के जो किरदार के सांचे में ढले मैदान मुबाहला में वही पांच चले हैं मैदान मुबाहला में वही पांच और अल्लाह दे नबी कोई दसन की जरूरत है कि सच्चे कितने रहते बहुत सारे मैं मौला दे मजाक खाना सुने और जी अल्लाह दे नबी सच्चे सच्चे लगन तुर पे उन्होंने कोई जरूरत लपड़ वो आए ही सच्चियां दे दरवाजे ते अपनी बेटी के दरवाजे ते आए तक कुल बाप
ਬਾਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਅਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ ਯਾ ਅਲੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਮਿਸਰਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਦੀ ਦੀ ਕਰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਰਾਮਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਵੈਸੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਤੂਲ ਹੀ ਵੈਸ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਵੈਸ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਹਸਨ ਹੀ ਵੈਸ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਅਲੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਗੋਦ ਚ ਉਠਾਏ ਆਕਾ ਹਸਨ ਅੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇ ਮਦਦ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਸਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੈਸਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੈਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੈਸਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਅਲੀ ਗਾਜ ਦੀ ਆ ਗਏ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਆਕਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰੂੰਗਾ दरवाजे ते जेड़ी गल ओ सुन लई हुण मैदान दे पास रवाना होए पांच टुरन इन्हां दे टुरन दा अंदाज के पूरी तवज्जो टुरन दा अंदाज जिस जास कदम पाक मोहम्मद ने उठाए जिस जास कदम पाक मोहम्मद ने उठाए सरवर के कदम पे है कदम जहर के आए सरवर के कदम पे है कदम जहर के आए ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੈ
ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਾਤ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਾਤ, ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ, ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ, ਈਸਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸਮ ਚ ਕੰਪਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਂ ਮਾਫੀ, ਅਸਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆਈ ਫਿਰ ਆਏ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆਈ ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ, ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਜਜ਼ੀਆ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਆਏ ਕਿਉਂ ਉਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ, ਈਸਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਜਲੀ ਦੀ ਆਈ ਕਿਬਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂ